हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेसन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आप जानते हैं पिछले दिनों में हमने 3 टेंसेस कवर कर ली हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड प्रेजेंट की कैटेगरी का ये हमारा लास्ट टेंस है, उसके बाद हम आएंगे पास्ट टेंस पे। तो आई होप आपने मेरे पिछले लेसन्स देख लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के नए टेंस से, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस को समझाने के लिए ना मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, अ वेरी सिंपल डायग्राम। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल डायग्राम। ओके, लेट्स सी। ये एक लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड को, राइट? ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट आज, और फ्यूचर कल, राइट? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, इस जगह पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से पढ़ रहे हो। अब ये देखिए, एक्शन आज मॉर्निंग में शुरू हुआ, ठीक है, तो पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए हम रूल लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस हमारा मेन वर्ब। एमवी से कंफ्यूज मत हो जाना, एमवी मतलब है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ हम हमेशा आईएनजी लगाते हैं। देखो, इसको सिंपल सा याद करना है ना, तो क्या है, देखो परफेक्ट है, परफेक्ट का रूल क्या था याद कर लो, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन इस पे वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, लेकिन हैज हैव आएगा। कंटिन्यूज में क्या था, इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी, राइट? तो इसमें इज एम आर नहीं आएगा, वर्ब का आई एन जी आ गया। सो बेसिकली हमने दोनों चीजें पकड़ ली, ठीक है? परफेक्ट का भी कुछ ले लिया, कंटिन्यूस टेंस का भी ले लिया, और बन गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल, जो कि बहुत सिंपल है। कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स इसमें ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम याद ही नहीं रहता रूल। मैं ये बोलूँगी, ये याद करना ना बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है? अब इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। दे हैव बीन सिंगिंग फॉर 5 ईयर्स, वो 5 सालों से गाना गा रहे हैं। अब इसमें भी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि मैम काम वो कर रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यू हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक? गाना गा रहे हैं लाइक आर्टिस्ट continuously singing like 24 hours? Not possible, right? So I want to show you that there are 2 kinds of actions here, right? One is you have been studying since morning. अभी आज का ही action है, सुबह शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा short time action, right? ये वाला मैं खुद से बता रही हूँ अभी, ताकि आपको easily समझ में आ जाए। ये है शॉर्ट टर्म एक्शन, समझ में आया? काम जो सुबह शुरू हुआ है, ठीक है, तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी वो पढ़ ही रहे हैं, मतलब तुम पढ़ ही रहे हो। दे हैव बीन सिंगिंग फॉर 5 ईयर्स, ये है लॉन्ग पीरियड एक्शन, ठीक है, लॉन्ग टाइम एक्शन, मतलब कभी किसी साल में चीज शुरू हुई, वो अभी भी बरकरार है, चल रही है, मतलब वो अभी भी वो सिंगिंग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात जो समझने वाली है, फॉर और सिंस का इनमें डिफरेंस क्या है? पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था कि फॉर और सिंस में डिफरेंस क्या है, लेकिन अब भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली मैं समझा देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ओके, तो सी, दिस इज अ चार्ट। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम जब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया होगा, राइट? अगर आपने एग्जाम्पल देखा हो, दे हैव बीन सिंगिंग फॉर 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स क्या है ना, पीरियड ऑफ टाइम है, राइट? देयर इज नो स्पेसिफिक ईयर मेंशन हियर। बट व्हेन यू लुक एट सिंस तब यूज होता है जब एक टाइम मेंशन होता है ना। व्हेन आई से टाइम, दैट डजंट मीन प्रॉपर क्लॉक में जो टाइम बजा है, यू नो 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, नॉट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मैं डेज की बात करूँ, मैंने बोला आई हैव बीन सिंगिंग फॉर द पास्ट मेनी डेज, मैं कई दिनों से गा रही हूँ, राइट? लेकिन अगर मैंने कहा आई हैव बीन सिंगिंग डैश, ओके, ब्लैंक वेंसडे, अब वेंसडे एक स्पेसिफिक डे मेंशन कर दिया मैंने, तो क्या आएगा, सिंस आएगा, राइट? आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आई शुड कम हियर। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल, यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये कोई आवर्स अगर इसमें लिखा होता, सॉरी, इसमें लिखा होता आवर्स, राइट, घंटों से पढ़ाई कर रहे हो तुम, तो यहाँ पर फिर फॉर आ जाता क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने एक टाइम पीरियड मेंशन कर दिया कि मॉर्निंग टाइम पे, तो हमने सिंस लगा दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स कंप्लीट दिस। ओके, सो फॉर डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक यू हैव बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस, ये सब सिंस में आ जाता है। सेकेंड, थर्ड, यू नो, अप्रैल, मार्च एंड ईयर्स आ गए तो 22, 6 और सिंस चाइल्डहुड, तो ये हमारे टाइम पीरियड आ जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका यूज हुआ था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो खासकर हम इसको यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। और जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब चलिए पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश करते आ रहा हूँ या करते आ रही हूँ। इसमें मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं किया है। मान लो मुझे कोई टाइम मेंशन करना है, जैसे कि since my, you know, we can say school days, we can say since my school days, right? ये भी एक टाइम पीरियड है कि कब से मैं इंग्लिश लर्न करते आ रही हूँ। स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों से मैं इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करते आ रही हूँ, लेकिन अब तक किया नहीं है, अब तक हो नहीं पाया, राइट। नेक्स्ट, योर बेबी हैज़ बीन स्क्रीमिंग फॉर एन आवर, आपका बच्चा आधे घंटे से चिल्ला रहा है। स्क्रीमिंग, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, ठीक है। एक तो होता है शाउट करना, राइट, शाउट का अगला वर्जन जिसे हम बोलते हैं ना, शाउट का ही एक यू नो सिनोनिम है। तो स्क्रीमिंग इज लाइक बहुत ज़्यादा शाउट करना, ठीक है, चिल्ला रहा है, राइट। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन हर नॉवल फॉर मंथ्स, वो अपने नॉवल पे कई महीनों से, लाइक बहुत महीनों से काम कर रही है। हैज बीन वर्किंग, काम करते आ रही है। अब ये देखो मंथ्स है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक मंथ मेंशन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर मंथ की जगह में यहाँ पर लगा देती कि मान लो यू नो मार्च लगा देती, राइट, तो क्या लग जाता है यहाँ पर? फॉर की जगह पे लगता सिंस। See, so easy for and since का usage. Next, the child has been playing with her cousins. बच्चा अपने cousins के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा है। The patient has been lying in bed for 2 hours. पेशेंट 2 घंटों से बेड पर लेटा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप नोटिस करेंगे शॉर्ट टर्म एक्शंस और लॉन्ग टाइम एक्शंस अगर देखा जाए तो आप गेस कर सकते हैं। आई एम बी ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज सिंस स्कूल डेज, तो मतलब ये लॉन्ग टाइम का एक्शन है, ठीक है, ये काफी टाइम से चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, राइट। योर बेबी हैज बीन स्क्रीमिंग फॉर एन आवर, आधे घंटे से ही है, तो ये शॉर्ट टाइम है, ठीक है। शॉर्ट टाइम को मैंने ST लिख दिया, शॉर्ट टाइम। शी हैज बीन वर्किंग ऑन हर नॉवल सिंस, लाइक फॉर मंथ्स, ये भी लॉन्ग टर्म है। चाइल्ड हैज बीन प्लेइंग विद हर कजिन्स, मैंने टाइम मेंशन नहीं किया है, मे बी आप बोल सकते हैं सिंस मॉर्निंग और फॉर द पास्ट फ्यू आवर्स, जैसे भी। पेशेंट हैज बीन लाइंग इन बेड फॉर 2 आवर्स, तो ये भी एक शॉर्ट टाइम एक्शन ही है, ठीक है। सो आई होप ये पॉजिटिव सेंटेंसेस क्लियर हैं आपको। तो इस बार अपनी इस वीडियो में ना मैंने हैज़, हैव, सिंगुलर, प्लूरल का ज़्यादा जिक्र किया ही नहीं है, ज़्यादा क्या किया ही नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियोस में ही मैं समझाते आ रही हूँ आपको। आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग इन माई प्रीवियस वीडियोज अबाउट द यूसेज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। सी, ये अभी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। हैज़ हम यूज करते हैं सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ हम हैव यूज करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी ना, पहली वाली, अब तक ये आपको रट गया होगा सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन जो नए हैं, अभी देख रहे हैं, प्लीज़ आप पहली वाले लेसन देख लो। आई एम श्योर आपको बहुत यूजफुल लगेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ गाइज, अगर आपको ये लेसन यूजफुल लग रहे हैं, लगता है कि किसी को इसकी नीड है, लर्न करने की नीड है, आप ये लेसन, ये वीडियो ज़रूर उन लोगों से शेयर कर दें ताकि वो भी लर्न कर पाएँ जैसे कि आप कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस का पहले आप सेंटेंस पढ़ लो फिर हम रूल निकालेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस है द गर्ल हैजंट बीन लिसनिंग टू अस सिंस मॉर्निंग। ये लड़की हमें सुबह से ही नहीं सुन रही है, ठीक है। तो क्या रूल है इसका? सब्जेक्ट हमेशा आएगा, राइट, हैज या हैव रहेगा। सिंगुलर प्लूरल का मैटर करता है। वी दे तो हैव है, आई और यू स्पेशल वीआईपीज हैं, इनके साथ भी हैव है। ही शी इट हैज है, राइट। तो गर्ल ये सिंगुलर है तो हैज आया। हैज नॉट, जब हम इन्हें यू डोंट हैव टू से हैज नॉट हैव नॉट इन योर सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग और राइटिंग। सो व्हाट यू कैन डू इज इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाता है, आइदर हैजंट या तो हैजंट हो जाएगा या बन जाएगा हैवेंट। तो यहाँ पर मैंने हैज नॉट लिखने की बजाय क्या कर दिया, हैजंट कर दिया, ठीक है। द गर्ल हैजंट बीन लिसनिंग, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैजंट बीन फॉलोइंग हिज रूटीन करेक्टली। वो अपना रूटीन ठीक से फॉलो नहीं करते आ रहा है, तो हम कहेंगे कि दैट इज द रीजन ही इज लूजिंग हिज हेल्थ। इसीलिए वो अपनी हेल्थ है वो लूज कर रहा है। स्टूडेंट्स हैवंट बीन पेइंग अटेंशन इन द क्लास। स्टूडेंट्स क्लास में कब से अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, तो इसके आगे मैं ऐड क्या कर सकती हूँ, दैट इज वाई दे हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स इन देयर एग्जाम। इसीलिए उनके एग्जाम में कम नंबर आए हैं। क्यों आए हैं? बिकॉज दे हैवंट पेइंग अटेंशन। वो काफी टाइम से अपना ध्यान है वो नहीं दे रहे हैं। तो इसमें आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, टाइम पीरियड हैवंट बीन पेइंग अटेंशन इन द क्लास, सिंपल, सिंस लॉन्ग, एक सिंस लॉन्ग, काफी देर से, या फॉर द पास्ट मेनी डेज, इट्स अप टू यू, जो भी लिखना है आपको। आई हैवंट बीन टीचिंग हियर सिंस 2016। मैं 2016 से यहाँ नहीं पढ़ाते आ रही हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2022 बट नॉट 2016। मैं यहाँ पे 2022 से पढ़ा रही हूँ, 2016 से नहीं पढ़ा रही हूँ। दे हैवंट बीन फीलिंग वेल लेटली। आजकल वो ठीक फील नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसको कॉन्वर्सेशन में लेकर आऊँ, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँगी? फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का नाम ले लिया, मान लो शोभिता, राइट। सो आई से शोभिता इज नॉट अटेंडिंग क्लासेज दीज डेज। शोभिता आजकल क्लासेज अटेंड नहीं कर रही है, व्हाट्स रॉन्ग विद हर? एंड नॉट जस्ट शोभिता, इनफैक्ट हर ब्रदर ऑल्सो, नीरज, बोथ दे हैवंट बीन अटेंडिंग क्लासेज, व्हाट्स रॉन्ग विद देम? क्या हुआ उनके साथ? यू नो दे हैवंट बीन फीलिंग वेल लेटली, दैट इज व्हाई दे आर नॉट अटेंडिंग क्लासेज, बट आई एम श्योर सून दे विल। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे पता है कि बहुत जल्दी वो करेंगे। सो ये था हमारा छोटा सा पैराग्राफ अभी, जिसमें मैंने आपका PPC प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ किया है। ओके गाइस, आई एम मूविंग ऑन टू आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पर जो हैज़ हैव है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आता है सब्जेक्ट से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो बीन भी हैव बीन हैज बीन के साथ लगाते हैं, लेकिन नहीं, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, फिर आपका मेन वर्ब और आईएनजी। लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, हैव यू बीन टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या तुम अपना खुद का ध्यान रखते रहे हो? अब इसमें भी टाइम पीरियड जो आप लगाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। हैज शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या वो तुम्हारा सुबह से ही इंतजार करते रही है? हैव शी बीन वेटिंग। हैव किड्स बीन प्लेइंग सिंस ट्यूसडे। क्या बच्चे ट्यूसडे से खेलते रहे हैं? हैव किड्स बीन प्लेइंग, हैव किड्स बीन, ओके। हैव दे बीन ट्रैवलिंग फॉर वीक्स। क्या वो हफ्तों से ट्रैवल करते रहे हैं? हैव दे बीन ट्रैवलिंग। हैव आई बीन टॉकिंग लाउडली फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटों से बहुत ज़ोर से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ? एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई इसमें, वैसे तो मैंने हर वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ पर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है कि जैसे मैंने यूज़ किया है आई हैव, राइट, आई हैव और शी हैज़। तो इसका अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ये बन जाएगा, ठीक है, आई एम, शी इज, शी इज। जैसे मैं ये बोलना चाहती हूँ, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली। मैं कुछ दिनों से ठीक फील नहीं कर रही हूँ, तो आई हैव नॉट को मैं कैसे बोलूँगी? आई हैवंट बीन, ये तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। पॉजिटिव सेंटेंसेज में, आई हैव बीन फीलिंग रियली वेल फॉर द पास्ट फ्यू डेज। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं इससे कैसे बोलूँगी? आई हैव बीन फीलिंग रियली वेल, अब देखो आई आपको मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। आई हैव बीन फीलिंग रियली वेल, जब नेचुरली बोलते हो ना, नेचुरल इंग्लिश साउंड करना है अगर आपको, तो आप ऐसे ही बोलोगे। शॉर्ट फॉर्म्स करते हुए अपनी स्पीच में इसको यूज करो तो वो ज्यादा नेचुरल लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। ओके, अब इन्हीं सेंटेंसेस को मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाकर दिखाऊंगी। ये तो हो गया इंटेरोगेटिव एंड अनदर वन इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब जो क्वेश्चन भी है लेकिन वो नकारात्मक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आ जाता है, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हम ऐसे लगा देते हैं नॉट बीइंग। ओके, अब जैसे मैं इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बोलूंगी, नीचे टेक्स्ट आ रहा है, आप प्लीज पढ़ लो। Have you not been taking care of yourself? Have you not been taking care of yourself? अब कुछ कमी है यहाँ पर, क्या है, ये natural नहीं लग रहा। अब इसे natural कैसे बनाएंगे? Haven't you been taking care of yourself? Haven't you been taking care of yourself? अब देखो इसे समझाने के लिए have not been, तो इसके लिए तो मैंने बताया था haven't been, right? लेकिन इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में इसको और सब्जेक्ट के बाद वाले नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैव यू नॉट बीन, राइट, हैव यू नॉट बीन, इसे कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैसे बन जाएगा, haven't, इसे कॉन्टैक्ट कर देंगे तो लगेगा हैवेंट यू बीन। नेक्स्ट देखते हैं, हैज शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव हैजंट शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हैजंट शी बीन। अब ये क्या है, इसमें स्टूडेंट्स कई बार क्या बोलते हैं, हैजंट बीन शी, बीन को कनेक्ट कर देते हैं, नहीं, सब्जेक्ट के बाद ही बीन आएगा। हैव किड्स बीन प्लेइंग सिंस ट्यूसडे, हैवेंट किड्स बीन प्लेइंग सिंस ट्यूसडे। ओके, Have they been traveling for weeks? Haven't they been traveling for weeks? अब आप नोटिस कर रहे हैं haven't they been, ठीक है, ना कि haven't been they, haven't they been। Haven't I been talking loudly for 2 hours? मैं 2 घंटों से loudly नहीं बात कर रही हूँ। Yes, I've been talking very loudly. ओके, सो ये था हमारा छोटा सा लेसन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब गाइज आपका होमवर्क यही है कि आपको सारे सेंटेंसेस को यूज करना है और आपको 5 सेंटेंसेस देने हैं। मेक श्योर सेंटेंसेस थोड़े से बड़े हों ताकि मुझे भी लगे कि आपने अच्छे से समझ लिए हैं। तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मैं कोशिश करूंगी कि सबको मैं फीडबैक दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।